हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, यह वीडियो आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का चौथा पार्ट है। यदि आपने इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। शिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए NAPS पर क्या होना जरूरी है? राइट आंसर बी, रजिस्टर कोमा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। राइट आंसर डी, लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है? सभी कंपनियों को अपने कार्य क्षेत्र में किसको शामिल करना होगा? राइट आंसर सी, कार्यस्थल कोमा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका अर्थ है यौन प्रकृति का कोई भी अप्रिय आचरण जिससे व्यक्ति आहत या अपमानित महसूस करता है? राइट आंसर सी, यौन उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका अर्थ है अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास? राइट आंसर डी, स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वच्छता के कुछ उदाहरण हैं? साफ नाखून रखना, दिन में दो बार दांतों को ब्रश करना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। राइट आंसर सी, व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना कौन सी स्वच्छता कहलाता है? राइट आंसर ए, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक आवश्यक जीवन कौशल क्या है? राइट आंसर ए, अंग्रेजी सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको कैसा होना चाहिए? राइट आंसर सी, औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये किसके उदाहरण हैं? राइट आंसर बी, अनौपचारिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? राइट आंसर डी, सुप्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर सी, ध्यान से सुने और बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता क्या होता है? राइट आंसर ए, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार किसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर बी, हमारा व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोजी का प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है? राइट आंसर सी, हमारी मनोदशा या स्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ए, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? राइट आंसर सी, बहुत सारे सकारात्मक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कैसा लगता है? राइट आंसर डी, सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ए, आत्म परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के संक्षिप्त सारांश को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी, एलिवेटर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला कौन सा प्रश्न है? राइट आंसर बी, मुझे अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें जो एक साक्षात्कार में
भाग लेते समय पालन नहीं करना चाहिए। राइट आंसर डी, जोर से हंसें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर बी, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल पदचिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। राइट आंसर सी, लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर बी, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि? राइट आंसर ए, यह सुधार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं तो वे क्या करते हैं? राइट आंसर डी, आपको प्रतिक्रिया या सुधार दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर ए, सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से को फीडबैक मिलता है? राइट आंसर बी, सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर दी जाती है? राइट आंसर सी, रचनात्मक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार जिसमें शब्दों के प्रयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है? राइट आंसर डी, गैर मौखिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक अच्छा संचार है? राइट आंसर ए, संदेश स्पष्ट और सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसी के व्यक्तित्व को कैसे तय कर सकते हैं? राइट आंसर सी, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद प्राप्त करने के लिए गीत सुनना केवल अंतर्गत आता है? राइट आंसर सी, सराहनीय सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे खराब संचार माना जाता है? राइट आंसर ए, संदेश अस्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक बातचीत किसका हिस्सा है? राइट आंसर बी, औपचारिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाओं, विचारों या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? राइट आंसर सी, मौखिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक मौखिक संचार नहीं है? राइट आंसर डी, साक्षात्कार में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना करियर शुरू करते समय सभी पूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह क्या है? राइट आंसर बी, एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय देर से आता है वह क्या नहीं है? राइट आंसर ए, समय का पाबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम तौर पर ग्राहक क्या करता है जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है? राइट आंसर सी, अधिक खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप लोगों को सार्वजनिक स्थान पर पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं? राइट आंसर सी, जोर से हंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल शिष्टाचार का अर्थ क्या है? राइट आंसर ए, सबके साथ शिष्टता और सम्मान से पेश आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से कौन बचाता है? राइट आंसर बी, दस्ताने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकली साक्षात्कार उम्मीदवारों की मदद कैसे करते हैं? राइट आंसर डी,
एक साक्षात्कार में कैसे प्रदर्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किसके रूप में भेज रहे हैं। राइट आंसर सी, अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अपने कार्यस्थल पर लोगों से बात करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है। राइट आंसर सी, हमारे शब्दों में सम्मान दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल में संचार का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। राइट आंसर ए, मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्च इंजन है। राइट आंसर सी, गूगल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।